ये सामने वाला जो मोहल्ला दिख रहा है ये निजाम चौक है। तो अभी हम सुपौल से लगभग 75 किलोमीटर दूर बीरपुर से भी थोड़ा सा आगे निजाम चौक जगह पड़ता है वहाँ पर जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर बचा है, लगभग 1.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। वहाँ पर एक मस्जिद में AC लगा हुआ है जिसका जेट मशीन सर्विस करना है। तो अपना मशीन सब ले लिया हम और बस पहुँच ही गए हैं, 1 किलोमीटर बचा है। तो चलिए चलकर वहाँ पर AC का अच्छे तरीके से सर्विसिंग करते हैं। यही मस्जिद है और इसके आगे से देखिए, इधर से इस तरफ से बांस का जो ये ढड्डी बना के रखे हुआ, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है। और इस तरफ से एक और AC लगा है अभी हाल फिलहाल में, ये लोयर्ड वाला है, ठीक है। और इसके अंदर जो है कुछ इस तरह से है, बाकी ये जो है वजू बनाने वाला है, वो वाला करना है इसमें, ये लोयर्ड का 2 टन का AC, इसका नहीं करना है, ये तो वारंटी में अभी। और जो करना है ये अपना वाला LG वाला है, 1.5 टन का 5 स्टार है ये। पिछला बार हम आए थे इसका फ्री वाला जो सर्विस था वो करने के लिए, लेकिन इस बार जो है जेट मशीन सर्विस करेंगे, पेड सर्विस है ये, 5 स्टार है। और इसका पानी वाला पाइप देखिए, इस तरफ से निकल करके खिड़की से बाहर हो गया। गंदा तो बढ़िया हो गया ये AC, देखिए कितना गंदगी भरल है इसके अंदर। आ वो नॉर्मल सर्विस से हो वो नहीं करता, उठक फूस वाला काम हो जाता, जेट मशीन सर्विस से ही सारा गंदगी जो निकल जाएगा। इसके पीछे में तो और गंदगी भरा हुआ है, पीछे वाला कॉल बहुत गंदा होता है, जानते हैं सामने वाले कंपेयर में। देखिए गंदगी निकलना शुरू हो गया, पूरा जो है गाढ़ा गाढ़ा कचरा निकल रहा है, सब गंदगी है, टोटल क्लीन कर रहा है। पूरा तगाड़ी भर के कचरा निकला है, देखिए कितना निकला इसके अंदर से, लेकिन क्लीन हो गया पूरा चकाचक, देख लीजिए इसके अंदर आप। इसका पैनल सब भी जो है धो दिए, देखिए ये सब अब इसको धूप में सूखने के लिए दे रहे हैं। चलो हो गया, अभी हम आ गए हैं मस्जिद के छत पर। देखिए यहाँ पर जो है जेट मशीन नहीं पहुँच पाया, इसीलिए हम ये आउटडोर यूनिट को जो है, ये टंकी है साइड में, इस पर ये रखा हुआ था, इसको खोल के उतार लिए, बस मग से जो अच्छे तरीके से हम मार दिए हैं पानी। पानी एकदम चिल्ड है, गंदा नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, मार चुके ऑलरेडी, धो चुके हैं। तो अभी आपको दिखाने के चक्कर में मग उठाए थे, पहले हवा कम आ रहा था लेकिन अब जैसे लग रहा है कि तूफान आ रहा है, एकदम गर्दा उड़ा के चल रहा है, पूरा फुल स्पीड में।